गाइस, लेनोवो ने इसी महीने अपने बाजार में प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को बढ़ाने के लिए तीन डिवाइस लॉन्च किए थे, यानी तीन स्मार्टफोन लॉन्च किए। उनमें लेनोवो Z6 प्रो, लेनोवो K10 नोट और लेनोवो A6 नोट शामिल हैं। ये तीनों ही स्मार्टफोन अलग अलग प्राइस सेगमेंट में देश में सेल के लिए अवेलेबल हो चुके हैं। गाइज, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ लेनोवो के K10 के बारे में। तो गाइज, वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिए क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। और गाइज, मेरे पास ज़्यादा इमेज नहीं थी K10 की, तो इसलिए मैंने लेनोवो K10 नोट की भी इमेज ली है, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो चलिए गाइज, वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। गाइज, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो इसमें आपको 6.1 इंच की स्क्रीन साइज मिलने वाली है। गाइज, ये स्पेसिफिकेशन सिर्फ एक रिपोर्ट के अनुसार बता रहे हैं, जो भी लीक से सामने आई उसके लिए। तो गाइज, सबसे पहले हम बात करते हैं स्क्रीन साइज की। तो 6.1 इंच की इसमें आपको स्क्रीन साइज मिल रही है और 2 GB रैम मिल रही है आपको और 32 GB स्टोरेज मिल रहा है। और गाइज, बात करें इसकी OS वर्जन की, तो इसमें आपको एंड्रॉयड 9 मिल रहा है। गाइज, अब बात करते हैं इसमें फिंगरप्रिंट की, तो आपको बैक पैनल पर इसमें फिंगरप्रिंट भी देखने को मिल जाएगा। और गाइज, मोबाइल के लुक को देख रहा है, यह माना जा रहा है कि लेनोवो K10 एक लो बजट स्मार्टफोन होने वाला है और इसकी स्पेसिफिकेशन भी लेनोवो K10 के बजट सेगमेंट में लॉन्च होने की पुष्टि करती है। गाइज, इसमें पूरी अभी तक लीक सामने नहीं आई है, जैसे ही लीक सामने आएगी आपको वीडियो के जरिए बता दिया जाएगा। ये छोटी सी न्यूज़ थी, वो मैंने आपको दे दी, लेटेस्ट न्यूज़ थी। चलिए गाइज, ये था हमारा आज का वीडियो, मिलेंगे हम अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें और विजिट करें अगर पहली बार चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें।